कि जब भी आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो कभी भी भोजन में दो चीज एक साथ ऐसी मत बनाइए जो एक दूसरे के विरोधी है, तासीर में एक दूसरे के उल्टे है। तासीर में एक दूसरे के उल्टे होने का माने कोई ठंडा है कोई गर्म है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। कोई एसिडिक बहुत ज्यादा है कोई एल्कलाइन बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। तो मैं सीधे बात पे आता हूं ज्यादा उसको घुमाने की बजाय, कि आप जिन चीजों की एक दूसरे के विरुद्ध तासीर है उनको साथ में ना बनाएं ना खाएं। जैसे दूध और दही दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दही जो है ना एसिडिक है और दूध एल्कलाइन है, दूध क्षारीय है दही अम्लीय है, ये दोनों साथ में नहीं खा सकते आप, खाएंगे तो जहर और आपके बीसियों रोगों का ये कारण बनेगा दूध और दही साथ में खाने। इसी तरह से हमारे रसोई घर में प्याज है, प्याज है। प्याज कभी भी खाएं तो दूध के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि समस्या फिर वही है, प्याज बहुत एसिडिक है दूध बहुत क्षारीय है, दोनों साथ में खाएंगे तो जहर है। तो जब भी प्याज खाना है, कच्चा खाना हो या सब्जी में खाना हो, दूध की कोई चीज उसके साथ ना हो। खीर खानी है तो प्याज की कोई चीज साथ नहीं होनी चाहिए, और प्याज खानी है तो दूध की कोई सी चीज साथ में मत खाइए। प्याज के साथ जो दोस्ती है वो दही की है, दही के साथ भरपूर प्याज खाइए, दही में प्याज डाल के खाइए, प्याज में दही डाल के खाइए। हम कई बार सलाद बनाते हैं ना दही का उपयोग करते हैं, तो प्याज दही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सलाद का, तो दही प्याज का कॉम्बिनेशन बनाइए, प्याज दही का कॉम्बिनेशन बनाइए, दूध उसके साथ नहीं, तो दूध के साथ दही नहीं, प्याज के साथ दूध नहीं। इसी तरह से तीसरी चीज हमेशा याद रखिए लाइफ में, शहद के साथ घी कभी मत खाइए। घी और शहद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं अगर एक साथ खाएंगे तो। वैसे दोनों अमृत हैं, घी भी अमृत है शहद भी अमृत है, लेकिन साथ में खाएंगे तो यही दोनों जहर है, तो घी और शहद नहीं खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल, काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनने में गलती मत करना आप इसको, काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। हाँ माँ की दाल, पंजाब में आप सब लोग उसे माँ की दाल कहते हैं, माँ की दाल अकेले खानी है, दही उसके साथ नहीं। क्यों नहीं? माँ की दाल के साथ कभी भी दही मैंने खा के देखा, आयुर्वेद में तो मैंने ये 12 साल पहले पढ़ा था, बहुत दिन मैंने खा के देखा, 5-6 महीने मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जब भी माँ की दाल के साथ दही खाया बीपी हाई हो गया, जब भी खाया। तो मेरा आप सभी माताओं को विशेष निवेदन है कि दही बड़ा अगर उड़द की दाल का बड़ा है तो दही के साथ मत खाइए उसको, मूंग की दाल का बड़ा दही के साथ खाइए। मूंग की दाल दही के साथ खा सकते हैं, अरहर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, तुअर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, मसूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, चने की दाल की दही से बहुत अच्छी दोस्ती है, खेसारी की दाल दही के साथ खा सकते हैं, सोयाबीन की दाल दही के साथ खा सकते हैं। एक ही दाल है भारत में और दुनिया में, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, माँ की दाल, जिसको दही के साथ नहीं खाया जाता। कारण एक और है उसका, ये माँ की दाल जो है ना सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली है दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप निकालेंगे तो माँ की दाल में ही है। और हाई प्रोटीन डाइट का नियम यह है कि उनको किसी भी एसिडिक चीज के साथ नहीं खाया जाए, क्योंकि हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और कोई भी एसिडिक चीज है वो हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में रुकावट पैदा करती है। तो माँ की दाल के साथ दही नहीं खाना, बाकी किसी भी दाल के साथ दही खाइए। फिर आप पूछेंगे कि कोई इमरजेंसी हो जाए, दही भी खाना है माँ की दाल भी खानी है, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस कर दीजिए। माँ की दाल खा के 1 घंटे बाद दही खा सकते हैं, या दही खाने के 1 घंटे के बाद माँ की दाल खा सकते हैं। इसके आगे का एक नियम है जो बहुत जरूरी है आप सबको फॉलो करना, वो ये कि कभी भी दही को नमक के साथ मत खाइए। माँ की दाल के साथ लस्सी 1 घंटे बाद, दही को कभी भी नमक के साथ मत खाइए, दही को हमेशा मीठी चीजों के साथ खाइए।
दही को शक्कर के साथ खाइए, दही को गुड़ के साथ खाइए, दही को बूरे के साथ खाइए, दही को खांड के साथ खाइए, दही कभी भी नमक के साथ। क्यों? मैं आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं। आप बाजार में जाइए, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान से एक लेंस खरीद लाइए, छोटी चीजों को बड़ा दिखाने वाला जो लेंस होता है मिल जाता है, 10-12 रुपए का आएगा। एक दिन लाके अपने दही पे लगा के देखिए, तो इतने बैक्टीरिया दिखाई देंगे आपको जो करोड़ों की संख्या में। दही के ऊपर लगा के देख लीजिए, वो इधर जाते हुए उधर जाते हुए घूमते हुए टहलते हुए दिखेंगे। ये सब जीवित हैं और शरीर को ये चाहिए, सब जीवित अवस्था में चले, क्योंकि ये बैक्टीरिया दही के साथ जब हम खाते हैं तो अंदर जाके हमारे जो एंजाइम सीक्रेशन है उसको ये बैक्टीरिया बहुत मदद करते हैं। तो दही हम खाते हैं बैक्टीरिया के लिए, जीवाणुओं के लिए दही खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है जीवाणुओं का घर, और एक दो नहीं करोड़ों। एक कप दही में अगर कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा जीवाणु। अब होता क्या है कि ये 1 कप दही में जो 1 करोड़ जीवाणु है, ये जीवित आपने खा लिए तो बहुत अच्छा है, शरीर को बहुत काम आने वाले। लेकिन उसी 1 कप दही में 1 चुटकी नमक आपने डाला, 1 मिनट में सारे जीवाणु मर जाएंगे। 1 ही मिनट लगता है उनको मरने। अब वो मर गए तो आपने दही नहीं खाई है, जीवाणुओं की लाश खाई है। वो दही नहीं रह गया, वो जीवाणुओं की लाश हो गया। अब वो अंदर गया तो दही के नाम पे आपने खा तो लिया, लेकिन उसके जो फंक्शन है बॉडी के लिए वो काम नहीं आने वाले। बहुत अच्छा सवाल है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। थोड़ी देर में मैं बात करूंगा जीवाणुओं पे, तब इसमें से क्लेरिफाई हो जाएगा। अभी जो बात चल रही है वो ये कि 1 चुटकी नमक डालते ही 100 किलो दही के सारे जीवाणु मर जाते हैं 1 चुटकी। हाँ, ये बात सही है। दुनिया में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है। हम थोड़ी देर में इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। दही में 1 चुटकी नमक डालते ही सब मर जाते, क्योंकि नमक के जो केमिकल्स हैं वो जीवाणुओं के दुश्मन है सारे के सारे। नमक के सारे केमिकल्स जीवाणुओं के दुश्मन है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दही में कोई ऐसी चीज मिलाइए जो जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाए, मारे नहीं, खत्म ना करे। इसलिए कहा गया है दही को गुड़ के साथ खाइए। गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर गुड़ मिलाकर रख दीजिए, इतनी तेज उनकी ग्रोथ है। दही में बूरा डाल दीजिए, बूरा समझते हैं, तो दही में बूरा डाल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। एक दिन आप ये कर लीजिए मेरे कहने पर, 15 रुपए का लेंस आएगा, लाइए, खर्चा करिए, सवेरे से शाम तक ये एक्सपेरिमेंट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवाणु कितनी तेज मल्टीप्लाई करते हैं मीठी चीज डालने पर। चीनी भी डाले तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुड़ डाले तो और ज्यादा होता है, बूरा डालने पर सबसे ज्यादा होता है। और एक मिश्री आती है, मिश्री, वो पीस के दही में डाल दीजिए, तब तो अद्भुत होता है, सोने में सुहागा। भगवान कृष्ण दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। तो आप जो है दही को खाने का नियम तरीका थोड़ा बदलिए। मैंने पंजाब में बहुत लोगों को देखा दही में नमक डाल के खाते हैं या लस्सी में नमक डाल के। ये लस्सी नमक के साथ नहीं खाई जाती, गुड़ के साथ खाई जाती है, खांड के साथ खाई जाती है, चीनी के साथ खाई जाती है। मुझे पुराने समय का याद आता है कि हम लोग हमारे मामा के घर जाते थे दही बूरा खाने के लिए। दही नमक खाने के लिए कभी कोई कहीं नहीं जाता, दही बूरा खाने जाते थे। और दावतें होती थी गांव में तो दही के साथ बूरा ही डाला जाता था। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो सब। अब शुगर जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो तो पूरे देश की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के तरीके मैं बता दूंगा, वो आप करते हुए दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दही के लिए विशेष मैं आपसे कह रहा हूं कि दही में नमक नहीं। और इसी तरह का और एक नियम है, वो ये कि दूध खाते हुए या दूध पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना हो। दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं। अगर कोई चीज दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहे हैं तो दूध की चीज ना हो। अब आप कहेंगे इट इज हाईली इम्पॉसिबल, ऐसे इम्पॉसिबल है कि खीर खानी है और सब्जी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल।
तो मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए, खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उस दिन, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला, वो रास्ता ये दिया उन्होंने। इसके आगे दो तीन चीजें छूट गई हैं, खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल है, सिट्रिक, इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं, इनके साथ हमेशा दही लस्सी आदि आदि ले सकते हैं। खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं। आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है। इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं, बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है, सेब एक्चुअली एल्केलाइन है, तो वो दूध के साथ खा सकते हैं। गाजर है, सेब है, दोनों एल्केलाइन है। मूली एसिडिक है, मूली दूध के साथ नहीं खा सकते। गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं। जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए, ये एक ही एक्सेप्शन है। कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्केलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है, ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण ये है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टर्बेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और एक दो चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है हम गरम गरम खाना खा के आइसक्रीम जरूर खाते, अपना सत्यानाश करते, फीका खाइए तो बहुत ही अच्छा, मीठा दही है, ताजा दही है, खट्टापन नहीं आया है तो फीका खा लीजिए, थोड़ा खट्टापन आया है तो गुड़ डाल के खाइए, चीनी डाल के, शक्कर डाल के। तो जी हाँ, मैं अभी आगे आ रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आगे आ रहा हूँ इसी नियम पे। तो अभी तक मैंने 9 नियम बताए हैं, नवा नियम रिपीट कर रहा हूँ कि दो वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना, दूध दही साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है, दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है, दूध के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेंधा नमक ही खाना है, काला नमक ही खाना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल ही जाइए ना, नमक ही बदल दीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा।